रिस्क मैनेजमेंट के बिना आपकी ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी विदाउट GPS। इससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल को सेफगार्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग एक्टिविटीज को सस्टेनेबल बनाए रखते हैं। इसकी बेनिफिट्स को काउंट करें तो पहला प्रिंसिपल है अपने लॉसेस को कट करना, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज इमोशंस पर कंट्रोल रखना, आप इम्पल्सिवली ट्रेड लेने से बचे रहते हो। थर्ड इज कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ इज रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आपके पास अपने लॉसेस को हैंडल करने का प्लान पहले से ही रेडी है तो ट्रेडिंग के साथ एसोसिएटेड स्ट्रेस कम होता है। स्टिक विद अस अंटिल द एंड टू नो ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है इंपेशेंट लोगों से पैसे लेने का और पेशेंट लोगों को पैसे देने का। चाहे इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, इट टेक्स टाइम, मनी, एनालिसिस एंड पेशेंस। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करने के कई तरीके हैं, जैसे कि नंबर वन, पोजिशन साइजिंग। इनिशियली आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और रिस्क एपेटाइट बढ़े, आप अपना मार्जिन भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। देन स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एनी ट्रेडर। ये मार्केट की अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करता है और लॉस को लिमिट करता है, इसीलिए बिना स्टॉप लॉस लगाए कभी भी ट्रेड ना करें। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन सही मायने में अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने से होती है, बट अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें, मतलब अलग अलग स्टॉक्स का बुके बनाएं, ना कि अपने सारे कैपिटल को एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। फिर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले उससे होने वाले पोटेंशियल रिवॉर्ड को रिस्क के अगेंस्ट असेसमेंट करें। अ पॉजिटिव रेशियो कैन इम्प्रूव योर प्रॉफिटेबिलिटी। इसके लिए आप पे ऑफ कर्व जैसे फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क पर ट्रेड। एक सिंगल ट्रेड पर आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो उसके लिए लिमिट बनाएं। यूजुअली एक सिंगल ट्रेड पर आपकी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 1-2% रिस्क लिया जाता है। देन यूज ऑफ लेवरेज। बी कॉशियस विथ लेवरेज, ये गेंस एंड लॉसेस दोनों को ही बढ़ा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क असेसमेंट। हमेशा मार्केट कंडीशंस को असेस करते रहें एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते रहें। और ये थे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स। होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।